असद कैसर के बाद और कौन सी बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है? साबिक पीडीएम हुकूमत के वज़रा की शामत आ गई। डॉक्टर शाहिद मसूद की खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। असद कैसर को बनीगाला में उनकी रिहाइश गाह से पुलिस और एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। नेशनल असेंबली के साबिक स्पीकर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। असद कैसर की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए एक निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि असद कैसर की गिरफ्तारी के बाद बहुत सी गिरफ्तारियों की तवक्को की जा रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है वहां से भी बहुत गिरफ्तारियाँ होंगी। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद ने मजीद कहा कि पीडीएम इत्तेहाद की 16 महीनों की हुकूमत में जो भी करप्शन हुई है उसमें भी बहुत गिरफ्तारियां होनी हैं और आने वाले दिनों में मजीद केस खुलेंगे।